नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। जाऊं
सपने सपने महके चूम के मेरे यार, मेरे यार कैसी शाम सुहानी आई रे हो। शहनाई शहनाई उड़ती खुशबू खुशबू उड़ती झूम के मेरे यार कैसी शाम सुहानी आई रे।
आओ। आज तुम कुछ कहने वाले थे ना? माँ जी से बात नहीं कर पाया। माँ जी से? कल बात करूंगा और शाम को खुशखबरी सुनाऊंगा। नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? ये अपनी मम्मी से जाकर पूछना। माँ, खन्ना साहब ये पैसे क्यों दे रहे? सीता से तुम्हारा रिश्ता पक्का करके गए हैं। सीता? वो जब पैदा हुई थी तो तुम्हारे पिता ने उसे अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया। वो तो रहे नहीं, लेकिन सीता इस घर में दुल्हन बनकर आएगी तो इस घर के नसीब जाग उठेंगे। माँ, मेरी जिंदगी का फैसला करने से पहले तुमने मुझसे पूछना मुनासिब ना समझा कि मेरी मर्जी क्या है। तुम्हारी मर्जी मुझसे कब अलग थी जो आज पूछना पड़ता? ये मेरी जिंदगी का सवाल है माँ। और मैं तुम्हारी जिंदगी की दुश्मन तो नहीं? तुम्हारी शादी सीता ही से होगी? नहीं माँ, मैं जिस लड़की को जानता नहीं, जिसकी सूरत तक नहीं दिखी, आखिर मैंने भी तो किसी को वचन दिया है। मैं रीता से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा। राजेश, ये पहली बार है माँ कि मैं तुम्हारी कोई बात मानने से इनकार कर रहा हूँ। मुझे इस बात का अफसोस है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। माँ, माँ क्या हो गया तुझे? मुझे छोड़ दो, मेरी बात नहीं माननी तो मुझे वापस हिंदुस्तान भेज दो। मैं समझूं कि मैंने यहां आकर अपना पति ही नहीं, अपना बेटा भी खो दिया है। शादी नहीं कर सकता हूँ, यही ना? मैंने तुमसे नहीं, कुदरत ने हमसे मजाक किया है रीता। कुदरत ने? मेरे घर जाने से पहले माँ ने मेरा रिश्ता कहीं और पक्का कर दिया, अपनी जिंदगी अपने वादों का वास्ता दिया, मगर बेअसर। माँ ना मानी, मेरी हर कोशिश बिल्कुल ही बेकार हो गई। वो वापस हिंदुस्तान जाने के लिए तैयार हो गई। और तुमने? का टाइम हो गया है, चलो बहन अपने घर चलो।
परदेश की बात है बहन, कुछ नहीं कर सका। आज से पति का घर तुम्हारा घर है, उसके सुख का ख्याल अपने जीवन से ज्यादा रखना। बड़ी शर्मांदी है। हाँ जी, तूने से शर्मांदी? भैन जी काका कितने गया है? क्यों सो गई थी सीता? पत्नी की जगह पति के चरणों में ही होती है। ये बातें मैं नहीं मानता। ये सब पुराने जमाने की बातें हैं सीता। आज औरत मर्द की परछाई नहीं बल्कि उसकी जिंदगी में बराबर की हिस्सेदार होती है, उसकी साथी होती है। Rajesh? Yes, sir. Congratulations on your marriage. Thank you, sir. Rajesh? Admiko kabhi kabhi kismat ke samne jhukna padta hai. Himmat se kaam lo. Yes, thank you, sir. जीती रहो बेटी, सुखी रहो, राजेश का ध्यान रखो। अच्छा बेटा तुम चलो। अच्छा मैं जी, नमस्ते। सीता ये क्या करी हो बंदर की तरह? वैसे मत करना, लोग देखने बुरा लगता है। बीवी को हाथ लगाने में क्या बुरा लगता है सीता? घर में Hi, Rogers.
Haven't seen you for a long time, Tim. Neither have I. You look nice. So does Amanda. Thank you very much. By the way, have you met my wife? Dekho, Maaji! Maaji! Namaste, Maaji! Ye hai Tim. How do you do? Hello. I think we must go. Bye. Goodbye. Nice not seeing you. Meeting your wife. Bye-bye. चलो अब यहाँ से। आती हूँ ना, आती हूँ। मैं क्या कर रही हूँ? मैं भी आती हूँ। ये क्या पागलपन कर रही है? मैं माजी को प्रणाम कर रही थी। माजी को देखा नहीं ऊपर? माजी हेलीकॉप्टर में नहीं, बोइंग में गई। बोइंग में गए थे तो क्या हुआ? गए तो थे। हाँ, और माजी को आने दो, मैं उनको बताऊंगी। गैर मर्दों के साथ मुझे हाथ मिलाने को कहते थे, गैर मर्दों साथ नहीं मिलाऊंगी। सीता, कुदरत ने एक दूसरे का साथ दिया है, साथी बनने की कोशिश करो। अच्छा बाबा, अच्छा जो कहते हो वैसे करूंगी। देखो, मैं रजिया से कह दूंगा कि तुम्हें रहने सहने का ढंग सिखा दे, जैसे वो कहेगी वैसे करना। For God's sake, Sita, sit properly. हाँ? मेरा मतलब ठीक तरह से बैठो ना। हाँ, मैं ठीक तरह से बैठू, ठीक है। नहीं, ऐसे नहीं बैठना चाहिए तुम्हें। देखो ऐसे बैठो, डाउन करके ऐसे। हाँ, मेरे तो टांग टूट जाएंगे। नहीं, नहीं, कोशिश करो, देखो कैसे बैठती। हाँ, अच्छा अच्छा मैं कर लूंगी। हाँ, क्या कर रही है? सारे मेरे कपड़ों पर गिरा दिया तुमने। सारी? हाँ, ऐसे रखो नीचे। देखो ऐसे चलती, ऐसे कप पकड़ के उंगली को ऐसे रखो। हाँ, ऐसे ऐसे। फिर तो भरतनाट्यम हो गया। भरतनाट्यम नहीं, ऐसे चाय पीना सीखो तुम। नहीं एक, हाँ नहीं ऐसे नहीं, फिर से खाओ। सीता, तुमको बिस्किट खाना भी नहीं आता, मुंह बंद करके खाओ। ओ, ऐसे नहीं, मुंह बंद करके। देखो मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे। कितनी गंदी हो तुम, जंगली बिल्कुल। तुमको तो हंसना भी नहीं आ रहा ठीक तरह से। मैं कैसे हंसते हैं? देखो जरा आहिस्ता से हंसते हैं, ऐसे। ऐसे? हाँ, एक बात और बताऊं तुमको सीता, हमेशा मुस्कुराती रहा करो। मर्दों को हंसमुख औरतें बहुत पसंद हैं, फिदा हो जाएगा तुम पे। रजिया, सीता तैयार है? हाँ भाई जान, तैयार है, जाइए अंदर। हाँ, जरा सीने पे हाथ रख के अंदर जाना, हिंदी उछल कर बाहर न गिर पड़े। सीता को पहली बार तो नहीं देख रहा मैं। आज की सीता को आप तो क्या जमाना पहली बार देखेगा, जाइए। नहीं नहीं नहीं, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या कहा? देखो ना, रजनी ने मुझे सब लाल नीला पीला कर दिया, मुझे अच्छा नहीं लगता। पगली, आजकल मेकअप ऐसे ही करते हैं। नहीं, और देखो ना, ये साड़ी बिल्कुल इतनी पतली है, मैं आधी नंगी लग रही हूँ। फिर कैसे जाओगी, गवारों की तरह कपड़े पहन के? हाँ हाँ, मैं गवार हूँ, लेकिन मैं बेशर्म तो नहीं हूँ कि आपके दोस्त के सामने नंगी होकर जाऊंगी। सीता, मेरी बात मानो तो बहुत अच्छी लग रही हो। नहीं, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। सीता, मेरी बात मानो तो बहुत अच्छी लग रही हो। नहीं जाऊंगी। सीता, नहीं। राजेश अकेला क्यों चला गया? सीता, मैं अपने आप को नहीं बदल सकती रजिया। सीता, नहीं बदलोगी तो जिंदगी भर रोती रहोगी। राजेश तुम्हारा शोहर है, उसको तुम्हारे साथ की जरूरत है। जिंदगी भर उनकी पूजा करने के लिए तैयार हूँ। पूजा? सीता, क्या तुमने उसे पत्थर का बुत समझ रखा है? उसके सीने में जवान धड़कता दिल है, अरमान है, और वो उन्हें कैसे पूरा कर सकता है जब तक तुम एक साथी बनकर उसकी हर खुशी में उसका साथ न दोगी?
उनकी खुशी मेरी खुशी है, लेकिन वो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके काबिल ही नहीं। ये बात कि तुम उसके काबिल नहीं, अगर राजेश भाई के दिल में भी आ गई तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और साथ ही उस बेचारे की भी। तो फिर तुम बताओ रजिया, मैं क्या करूं क्या करूं? सीता, अपने आप को उस रंग में रंग लो जो तुम्हारे शोहर को पसंद है। कैसे? अच्छा, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि अपने आप को मॉडर्न और सोसाइटी में घूमने फिरने के काबिल कैसे बनाया जाता है। सीखोगी? हाँ। अच्छा, मैं कल शाम को की? अच्छा। कहती थी ऐसे चलना। बेशर्म कहीं की, लेकिन क्या करूं, चलना ही पड़ेगा। हाँ, बोलती थी जब वो घर आए तो बोलना गुड इवनिंग, ठीक है ना? फिर हाँ, हस्तिया करना। फिर हाँ, मौका देख के गा दिया करना। क्या करूं, गाना नहीं आता। मेरे यार, मेरे यार। अरे ये तो उनकी आवाज है। कैसे शाम सुहानी आई, मैं गाऊंगी तब देखना, जब मैं गाऊंगी। चाय लाती हूँ। Thank you.
तो बाबा स्मार्ट हो गई हो ना हुँ? जी देखें कितनी स्मार्ट होगी क्या बात है बड़े खुश नजर आ रहे हो कहीं बाहर जा रहे हो क्या बाहर नहीं मेरे दोस्त घर जा रहा हूं सीता पाप
फिर वैसी की वैसी। मुझे क्या मालूम था कि आप ऑफिस से इतनी जल्दी आए। कम करो सीता। मुझे क्या मालूम था कि आप ऑफिस से इतनी जल्दी आएंगे। ओ, तो अपने आप को बदलने का सिर्फ ड्रामा था ना, मुझे दिखाने के लिए। नहीं नहीं नहीं, आप रजिया से पूछ लीजिए, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। सीता। हाँ माँ जी, मैं भी आई हूँ। सुनो, एक बहुत अच्छी अंग्रेजी फिल्म आई है, रोमियो एंड जूलियट, आज शाम देखने चले। लेकिन वो तो अंग्रेजी में है, मेरी समझ में कहाँ आएगी। बिल्कुल अपनी हीर रांझे जैसी। तो फिर जब हीर रांझे आएगी ना, तब वही देख लेंगे। Rogers, tomorrow Joshna Raj, sub resign karega. Kyun sir? Wo meche baal mein, unse ja ke poocho. Okay sir. Cup of wine, please. सुना है कि आप सब मेरी बदसलूकी की वजह से नाराज हैं और फैक्ट्री से रिजाइन करना चाहते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि मैंने ऐसी क्या हरकत की है? ठीक है, अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं तो आप इस फैक्ट्री में काम कीजिए और मैं कहीं और ढूंढ लूंगा। राजेश, जब तुम अच्छे थे हमें तुमसे कोई शिकायत ना थी, लेकिन अब तुम बदल गए हो। पहले आप हमारे घर में आते थे, हमें अपने घर ले जाते थे और शाम को इकट्ठे डांस पे जाते थे। जदों की थोड़ी शादी हुई है तुसी उदों दे बदल गए हो। सॉरी फ्रेंड, सॉरी यू हैव चेंज। ना को पार्टी की, ना हम लोगों को अपनी बीवी से मिलाया। तुम समझते हम उसको उठाकर ले जाएंगे? रॉजर्स, यही सब बच्चा है। तुम्हारी माँ को अपने माँ समझते है, बीवी को बीवी समझेगा। सॉरी, बीवी को बाबी समझेगा। थैंक गॉड। न्यू ईयर पार्टी में सब आएगा, तुम अपने बीवी को लाना। But Mr. Belt, she... कोई बहाना नहीं चलेगा। ओके, आई विल ब्रिंग हर अलोंग। गुड लक। सीता, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? यार नहीं, पार्टी में जाना है। लेकिन लेकिन मैंने माजी से अभी तक पूछा भी नहीं। लो, पति के साथ बाहर जाने के लिए माजी से पूछने की क्या जरूरत है सीता? फिर मैंने कुछ खाना भी नहीं पकाया। तुम जाओ तैयार हो जाओ, मैं कुछ बना लेता हूँ। वाह, पति खाना पकाएगा तो पत्नी को पाप नहीं चढ़ेगा? पत्नी को तब पाप चढ़ेगा अगर वो पति का कहना ना माने तो। तुम जाओ तैयार हो जाओ, मैं कुछ जल्दी बना लेता हूँ, चलो। सीता देवी, अब फिर मिल सकते हैं। How are you? Very nice to meet you. आप जल्दी जाइए ना, मैं खाना पकाती हूँ।
बनाती हूँ। बन गया है। अरे खीर और गुलाब जामुन इतनी जल्दी? चक्कर देखो सीता, जिंदगी में कभी नहीं खाया होगा। मजेदार है ना? हाँ, बहुत स्वाद है। तो खा लो। नहीं, 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 एक हमारे हाथ से खा लो। आप खाइए। अच्छे लगे? बहुत अच्छे। शर्मा रही है तुम्हें? जाओ सीता, माँ जी से कह दो हम पार्टी में जा रहे हैं। मुझे अकेले जाना अच्छा नहीं लगता। कमाल है, गुरुद्वारे में भी अकेले नहीं जा सकती। आप मेरे साथ आइए ना। ठीक है, मैं माँ जी को फोन कर लूंगा। Oh, hello. Come in. There's my wife, Sita. How do you do? Mrs. Bell. Oh, dear. वो अपने आप को बदलने की कितनी कोशिश कर रही है। वो अपने आप को कभी नहीं बदल सकेगी। नहीं भाईजान, ऐसा मत कहिए। वो तो एक देवी है, आपके लिए अपनी जान तक दे सकती है। लेकिन अपने आप को थोड़ा सा बदल नहीं सकती। कभी कभी सोचता हूँ, सूरत की तरह रीता और सीता की सीरत भी एक होती तो शायद जिंदगी इतनी मुश्किल ना होती। सीता ना अपने आप को बदल सकेगी, ना हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रह सकेंगे। बनवास मुझे भी मंजूर है।
यूं अचानक कैसे टपक पड़ी? चिट्ठी लिखी होती, टेलीफोन किया होता, मैं तुम्हें स्टेशन पर लेने आ जाता। अच्छा ये बताओ, राजेश क्यों नहीं आया? अंदर चलो भैया, मैं सब कुछ बता दूंगी तुमको। थैंक यू लव। सीता बोलती क्यों नहीं? राजेश क्यों नहीं आया? मैं उनको बताकर नहीं आई। क्या? मैं वो घर छोड़ आई हूँ भैया। क्या, पति का घर छोड़ आई? हाँ छोड़ आई, वो मेरे साथ खुश नहीं थे। क्या खुश नहीं थे? तुम कैसी औरत हो जो अपने पति को खुश न रख सकी? हाँ मैं ही बुरी हूँ, वो भी यही कहते, तुम भी यही कहो। मैं लाइफ में रहकर भी अनपढ़ और गवार हूँ, और इसमें भी मेरा दोष है। मैं कुछ नहीं जानता हूँ सीता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अपने पति की खुशी का ख्याल रखना पत्नी का फर्ज है। मैं जानती हूँ मेरा फर्ज है, इसे पूरा नहीं कर सकी। मैं तुम्हें कल सुबह पहली गाड़ी से वहां ले जाऊंगा। नहीं नहीं, अब मैं वहां नहीं जाऊंगी। आप समझते नहीं, मैं अपने आप को नहीं बदल सकती, और जब तक मैं उनके साथ हूँ वो खुश नहीं रह सकते। अब मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी। तो फिर कहां रहोगी? मैं यहां रहूंगी। जिस दिन तुम्हारी शादी हुई थी मैंने तुम्हें बता दिया था कि पति का घर ही तुम्हारा घर है। ये घर मेरा नहीं, वो घर मेरा नहीं, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? डूब मरो। औरत का धर्म यही कहता है कि संसार छोड़ दे लेकिन पति का घर न छोड़े। अगर औरत का धर्म यही कहता है तो मैं यही करूंगी। चलिए भाईजान, आप जानते हैं माँ जी की तबीयत बहुत खराब है। फिर डॉक्टर अभी भी गया है। भाईजान डॉक्टर के आने जाने से क्या होगा? मैं बता देती हूँ, अगर सीता वापस नहीं आई तो माँ जी कभी ठीक नहीं हुई। मैंने उसे जाने के लिए नहीं कहा था ना, उसे लेने के लिए भी नहीं जाऊंगा। आपने ठीक ही कहा, मुझ जैसी औरत को डूब मरना चाहिए, मैं यही करने जा रही हूं। सीता! सीता! I'm very sorry for what happened last night, sir. No, no, आप सब हम कहा है? आपको? हमने हिंदुस्तानी लड़की कचूमा, उसने चापा मारा, अच्छा किया। हम उससे माफी मांगेंगे। वो कौन है? शायद वो अपने भाई के यहाँ चली गई। शायद? Go and bring her, Rogers. वो कौन अपने आप को कुछ करना ले। All right, खन्ना साहब, आप रो क्यों रहे हैं? बताते क्यों नहीं सीता कहाँ है? सीता कहाँ है ये तुम बताओ। मैंने अपनी बहन तुम्हारे हवाले की थी। लेकिन वो यहाँ आई थी ना? आई थी और वो चली गई। उसके चप्पल दरिया के किनारे से मिले थे। अब मेरी बहन की एक वो निशानी रह गई है। माँ, 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 बाबा। Thank you.
मेरा बेटा बैठा था जी, वो उधर गया। ओह थैंक यू। नाउ खा लो विजय। सॉरी मैम, टेरिबली सॉरी। हेलो गिल। अरे जब से रीता गई है तुम दिखाई नहीं पड़ते, कैसे हो? ठीक हूँ भैया। कब तक यूं ही भटकते रहोगे, कहीं शादी वादी कर डालो। क्या बात है विजय, तुम्हें यहां भी अच्छा नहीं लगता? क्या चाहिए तुम्हें? मम्मी देख रहे हो?
तुम खाते हैं। कौन कह रहे? रीता, जिस दिन विजय को पता चलेगा कि तुम उसकी मां नहीं हो, जानती है उसके दिल पे क्या गुजरेगी? डोंट वरी, उसको कभी पता नहीं चलेगा कि मैं उसकी मां नहीं हूं। मैंने 5 साल कैसे गुजारे तुम्हें बता दी, तुमने कुछ नहीं बताया। इन 5 सालों में कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसका जिक्र कर सकूं। फिर भी वेल, यहां से जाने के बाद एयर होस्टेस की जॉब ले ली थी। सारी दुनिया घूमती रही, कभी यहां कभी वहां। और अब? जो चीज सारी दुनिया में ना मिली, इस घर की चार दीवारी में मिल गई है। अब मैं वो नौकरी छोड़ दूंगी। Shopping. How are you? Fine. I'm ready. Oh, ये मेरे मंगेतर है राजेश। अरे तुम हर बार के मंगेतर ही चेंज करती रहती हो, उस अंग्रेज का क्या हुआ? Oh, John Bissili, वो मेरा मंगेतर नहीं था, वो तो मेरा दोस्त था। लेकिन तुम यहाँ बच्चों की दुकान में क्या कर रही हो? मैंने कहा ना शॉपिंग। किसके लिए? विजय के लिए। विजय कौन? मम्मी का बेटा। अच्छा रीता, शाम को क्या कर रही हो? आज या कल? कल। कुछ तो नहीं, क्यों? हमारे घर में बहुत जोर की पार्टी है, चलिए आना। अच्छा लेकिन कोई बात नहीं, राजेश को साथ लेके आना। हाँ, शाम को। ओके, तो हम जरूर आएंगे। हाँ, भूलना नहीं। बाय बाय। कम ऑन। कौन थे ये लोग? फ्रेंड्स। हेलो रीता। सुनो, आज जरा जल्दी घर आ जाना, याद है ना पार्टी जाना है। रीता, आज मैं पार्टी में नहीं जा सकूंगा। क्यों? तुम जानती हो आजकल ऑफिस में ओवर टाइम चल रहा है। लेकिन एक शाम ओवर टाइम नहीं करोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? एक शाम तुम पार्टी में नहीं जाओगी तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा?
लेकिन राजेश, मैंने उसे वादा किया था। अगर तुम अकेली जाना चाहती हो तो चली जाओ। में बहुत मजा आया, तुम होते तो और भी मजा आता। सभी तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। मैं नहीं जानता था कि तुम विजय को अकेला छोड़कर पार्टी में चली जाओगी। विजय का ख्याल मुझे तुमसे ज्यादा है। उसे खाना खिलाकर सुलाकर गई थी, तुम्हारे लिए भी बनाकर गई थी। कहो तो गर्म करके ले आओ। कोई जरूरत नहीं, मैंने आज ऑफिस में ही खा लिया। ओके, गुड नाइट। मम्मी सो जाओ। हाँ डाली, तुम भी सो जाओ। बड़ी खूबसूरत जिंदगी, तू इसे संवार दे प्यार से, तेरे साथ है ये बहार भी, तू बहार में ही गुजार दे, बड़ी खूबसूरत जिंदगी। वो प्यास भी क्या प्यास है, जो किसी तरह से न बुझ सके। वो प्यास भी क्या प्यास है, जो किसी तरह से न बुझ सके। वो प्यार भी क्या प्यार है, जो साथ रह के न मिल सके, बड़ी खूबसूरत जिंदगी। हमें एक दूसरे के साथ बहुत दूर तक जाना रीता, यूं लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। मैं झगड़ा शुरू नहीं करती। तो क्या मैं करता हूँ? नो, हो गया ना शुरू? तो आओ वादा करेंगे फिर एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करेंगे। कहो कि फिर मेरे साथ झगड़ा नहीं करोगी। मैं क्यों कहूँ, तुम भी कहो। चलो साथ साथ कहेंगे, हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे। डार्लिंग। अच्छी तरह सफाई की? हाँ, हाथ दिखाओ, नाखून दिखाओ, और पाँव कान के पीछे दिखाओ,
और दांत साफ किए? टूथपेस्ट नहीं। टूथपेस्ट नहीं है? ये अब दांत साफ करो अच्छी तरह। हैव यू क्लीन योर टीथ टुडे? अगर ऐसा नाम हमें मिले तो हम भी कर लेंगे। पापा, मम्मी को किसी दो। डॉटी बॉय। लुक हियर सैम। आई ओह डियर। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर अचानक मूड क्यों खराब हो गया? मुझे तुम्हारा दोस्त पसंद नहीं आया। उसमें क्या खराबी है? कुछ नहीं, मुझे पसंद नहीं है। एनीवे, वो मेरा दोस्त है। यू डोंट हैव टू लाइक हिम। कम ऑन विजय, कम। बेटा, अच्छा ये बताओ, शादी कब कर रही है? राजेश को इतना चाहती हो, उसके बेटे को जान देती है, वो दोनों तुम्हारा नाम लेके जीते हैं, तो शादी में देर किस बात की? देर? हाँ बोलो ना। कर लूंगी रजिया, कर लूंगी। मम्मी मम्मी, मैं भी करूंगा। क्या करोगे? शादी। पहले अपने बाप से तो क्या, वो तो कर ले। हमारे खिलाफ क्या साजिश हो रही रजिया? भाईजान, सहेली को भाभी बनाने की सोच रहे हैं। आप लोग मिस्टर बेल के यहाँ जा रहे हैं शहर में? नहीं तो, और आप? हाँ हम जा रहे हैं। मगर रीता तो कह रही थी कि मैं जो बात कहूंगा रीता उसे नहीं टालेगी। मुझे
बिछड़े न चुरा मुझको न समझ तुझ दो राजेश क्या हुआ? चलो रीता चलिए। अभी तो आए हैं। मुझे जगह पसंद है। तुम ही तो लाए हो यहाँ। जाने के लिए भी मैं कह रहा हूँ रीता, जाओ चले। क्यों? मेरे सर में दर्द है। All right, let's go. सर में दर्द है ना, ले लो, ठीक हो जाएगा। मुझे तो फिर वो सर दर्द बहाना था ना? हाँ। क्यों? इसकी वजह तुम जानती हो। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। तो सुनो, इस कसम की बेहयाई, बेपर्दगी, बेशर्मी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। कब से? म्यूजिक पार्टीज और रात के तक दोस्तों के साथ डांस करना, यही तो हमारी जिंदगी थी। आपकी जिंदगी भी शर्मी कब से बन गई? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये बता देना चाहता हूँ कि अगर हमें जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजारना है तो सिर्फ एक दूसरे का होकर रहना पड़ेगा। अगर मैंने किसी और का होना होता तो 5 बरस काफी थे, मैं भी अपना घर बसा सकती थी। लेकिन वो जगह जो तुम्हारे जाने से खाली हो गई, मैंने उसे कभी भरना भी ना चाहा। क्या तुम समझते हो कि अब तुम्हें पा लेने के बाद किसी और का ख्याल भी मेरे दिल में आ सकता है? मैं दिल के साथ साथ जिस्म की बात भी कर रहा हूं। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं कि तुम मुझसे इस किस्म का बेहतर सवाल भी कर सकते हो। Yes, please sit down. Thank you. Roger, why did you leave the party last night? Have any plans? No. Rita say, Jagger here. I didn't expect that till later. I know. But you're like a son to me, Roger. A mother Wolverhampton may a coffee smile. Come on, each other, John. Why did I need to get letters? We'll go to Jagger Harry. Try Kuro. Maybe you and Rita will be happier there. मैं सोचूंगा इसके बारे में। Hello.
देखो क्या हो गया? अभी ठीक करती हूँ। ठीक है ना? मुझे मालूम है तुम्हें क्या चाहिए। अभी ठहरो। क्यों? रीता, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मेरे साथ चलो। विजय, बेटे तुम बाहर खेलना। क्यों पापा? जैसे पापा कहते हैं वैसे करो। जाओ। तुम जानती हो कि मिस्टर बेल का वुल्वरहैम्पटन में भी एक ऑफिस है। उन्हें वहां एक एक्सपीरियंस मैनेजर की जरूरत है। इसे भी बड़ा एक मकान है उनका वहां, जो हमें रहने के लिए मिलेगा। हम कल ही वहां चले जाएंगे। तुमने ये फैसला कर लिया है? हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। मुझसे सलाह किए बगैर? पत्नी अपने पति की जिंदगी में बराबर की हिस्सेदार होती है। जिस तरह वो अपने पति की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकती, उसी तरह पति को भी अपनी पत्नी की मर्जी के बगैर कुछ नहीं करना चाहिए। और तुम मेरे होने वाले पति हो, मालिक नहीं। अपने आप को थोड़ा सा बदल डालो रीता। हाँ हाँ, अपने आप को बदल डालो और सीता बन जाओ। यही ना राजेश, जब तुम्हारे पास सीता थी तो तुमने उसे रीता बनाना चाहा। अब जब रीता है उसे सीता बनाने की कोशिश कर रहे हो। क्यों राजेश, क्यों? मैंने वुल्वरहैम्पटन जाने का फैसला इसलिए किया रीता, कि वहां हम दोनों की जिंदगी में दखल देने वाली कोई भी चीज ना होगी। और ये फैसला मेरी मर्जी के खिलाफ है। मैं लंदन जैसी जगह छोड़कर वुल्वरहैम्पटन जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। मैं विजय को भी अपने साथ ले जा रहा हूँ। नहीं, वहां उसका ख्याल कौन रखेगा? तुम्हारे आने से पहले विजय का ख्याल कौन रखता था? अगर बाद में बैठ के रोना था तो उसे जाने क्यों दिया? रोक क्यों नहीं लिया उसे? मैं क्यों रोकूंगी उसको? क्यों, प्यार नहीं है तुम्हें उससे? क्या वो नहीं जानता कि मैं उससे प्यार करती हूँ? क्या वो जानता नहीं कि विजय के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती? वो जानबूझकर उससे ले गया है। वो समझता है कि मैं भागी भागी उसके पीछे जाऊंगी, लेकिन वो गलत समझता है। मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगी, मैं कभी नहीं जाऊंगी। रीता, मेरी और यूसुफ की शादी को 7 बरस हो गए। हमें तो अभी तक जी भर कर प्यार करने को भी वक्त नहीं मिला। तुम लोग झगड़े के लिए वक्त कहां से निकाल लेते? रीता रीता, ये जिंदगी बहुत मुख्तसर है। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करके इसे जाया मत करो। ये तुम अपने भाईजान को क्यों नहीं समझाते हो? लो, आ गया मेरे भाईजान का फोन। हेलो राजेश। हेलो मामी। विजय, तुम कैसे हो बेटा? अच्छे हो ना? हाँ, और पापा कैसे हैं? पापा रोते थे। पापा रो रहे थे? क्यों, खाना नहीं खाया? मम्मी कम कम ना। हाँ बेटा, मैं जरूर आऊंगी। नहीं नहीं, मैं ट्रेन में नहीं, मैं टैक्सी में आऊंगी, जल्दी से। अच्छा, पापा से कह देना मैं 5 बजे पहुंच जाऊंगी। अच्छा, ओके विजय, बाय बाय डार्लिंग, बाय बाय। हेलो। हेलो पापा। हाँ विजय, क्या बात है बेटे? पापा, मम्मी कमिंग। मम्मी आ रही? उसने फोन किया था। क्या बजे आ रही है बेटे? 5 बजे। चाय हमारे साथ पिएगी। तुम कहाँ जा रहे हो? केक लाने के लिए। ओके विजय, ओके, बाय बाय। बाय बाय। Thank you.
मम्मी Has he hurt himself? It's okay. He's all right. क्या तुम्हारी माँ मुझे से लगती है? बिल्कुल तुम जैसे लगती है। तुम कहाँ रहते हो? बेटा मैं करती हूँ। तुम्हारी मम्मी दीदी कहाँ है? वो तो नहीं शाम को आएंगे। अच्छा मैं चलती हूँ। अच्छा नहीं मम्मी दीदी की फोटो देखो। अच्छा देखो दिखाओ। पहले आंखें बंद करो। ओ अब आंखें खोलो। मम्मी और ये है मेरे पापा। पापा हाँ, आगे देखो ना ये है मम्मी और पापा। मम्मी मेरी बहुत अच्छी है। अच्छी है ना मम्मी? अच्छी है ना? हाँ क्या बात है? सुनो तुम्हारे डैडी बहुत खुश हैं। बहुत। और तुम्हारी डैडी मम्मी को बहुत प्यार करते हैं। भगवान तुमको सुखी रखे। मैं चलती हूँ। Don't cry. तुम अच्छी हो। और मैं अच्छी नहीं हूँ। मैं अच्छी नहीं हूँ। कि मैं अच्छी होती तो ये घर मेरे पति और तुम मेरे बेटे। अच्छी नहीं हूँ। मैं अच्छी नहीं हूँ। सुखी रहो। जीते रहो बेटे। जीते रहो। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती। अगर तकती मुझे उनके सामने फिर ले आए तो अंधेर हो जाएगा। एक बसता हुआ घर उजड़ जाएगा। अगर आज की शाम तुम्हारे नसीब तुम्हें कोई और रंग दिखाना चाहे तुम भाग नहीं सकोगी। सीता आज की शाम विजय मम्मी ने फिर फोन किया। अच्छा मैं भी आ रहा हूँ। पापा आप भी आओ। बेटे ऑफिस 20 मील दूर है लेकिन मैं 5 बजे से पहले पहुंच जाऊंगा। अच्छा सुनो बाहर रहना। आज की शाम हमारी जिंदगी की बेहतरीन शाम होगी। क्यों शाम सुहानी
दूसरी स्टॉप तक आओ। ना? मुझे छोड़ दीजिए। तुम झूठ बोलती हो सीता। मैं सीता नहीं हूँ, नहीं मैं सीता नहीं हूँ, मैं आपकी कुछ नहीं हूँ, मैं आपकी कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। सीता, सीता, सीता। कमरे जाओ बेटे, अपनी मम्मी से कुछ मत कहना। ओ, बेटा। हाय राजेश, मैं नहीं जानती थी कि तुम दरवाजे पे मेरा इंतजार कर रहे होगे। मैं किसी काम से बाहर जा रहा था। मैं भी चलूं? तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आ गया। ओ, मैं समझ गई, तुम आज शाम के लिए कुछ खास इंतजाम कर रहे होगे, है ना? हाँ, ऐसे ही कुछ है। आज की शाम सुहानी होगी, है ना? रीता, तुम यहाँ नीचे बैठो, मैं अभी आ गया। थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ। सीता हो, राजेश की पत्नी और विजय की माँ, और तुम वो देवी हो जिसने बिन माँ के बच्चे को माँ का प्यार दिया, मेरे पति के वीरान दिल को खुशियों से भर दिया। तुमने वो कर दिया बहन, एक पत्नी और माँ होकर नहीं कर सकी। अगर तुम सच्चे दिल से कह रही हो तो दोबारा उनके जीवन में आने की क्या जरूरत थी? मैंने तो ऐसे कभी सोचा भी नहीं था। मैंने तो मर जाने की कोशिश भी की थी, लेकिन एक नर्स ने मुझे बचा लिया। और आज भी जब वो अचानक मेरे सामने आ गए थे, मैंने उसे कहा मैं सीता नहीं, लेकिन वो, मैं बेहोश हो गई थी, मुझे यहां ले आए। अब राजेश घर में नहीं, तुम चाहो तो जा सकते हो, मैं अभी चली जाऊंगी, लेकिन इस तरह नहीं, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? हम दोनों में से एक को हमेशा के लिए जाना ही होगा। तुम्हें राजेश के आने तक ये फैसला कर लेना चाहिए सीता, कि इस दुनिया में तुम रहोगी या मैं, ताकि फिर ये सवाल कभी ना उठे कि राजेश की पत्नी कौन है और विजय की माँ कौन। उनके लिए सब कुछ तुम ही हो रीता, वो दोनों तुमसे बहुत खुश हैं। उनकी खुशी के लिए एक बार तो क्या, हजार बार संसार से जाने के लिए तैयार हूं। तो बैठो, मैं अभी आती हूँ। झूठ है, उसका नाम सुधा नहीं सीता है। आज से 5 बरस पहले उसने खुदकशी करने की कोशिश की थी, शायद आपने उसे बचा लिया हो। आज अचानक मुझे अपने सामने देखकर वो बेहोश हो गई। आपको गलतफहमी हो रही है, अगर आप ठीक कहते हैं कि वो आपकी पत्नी है तो वो आपको देखकर बेहोश क्यों हो जाती? क्योंकि वो मेरे सामने कभी नहीं आना चाहती थी। वो जानती थी कि जब तक हम दोनों साथ हैं मैं कभी खुश नहीं रह सकता, इसीलिए उसने खुदकशी करने की कोशिश की। तो आज उसे देखकर आपको कौन सी खुशी मिल गई है जो उसकी पूछताछ करने आ गए हैं?
आपके पास सीता से अच्छी पत्नी है। आपका बेटा विजय उसे सगी माँ से बढ़कर समझता है। अब आपको ये जानने की क्या जरूरत है कि जो औरत आपको देखकर बेहोश हो गई वो सीता है या नहीं? मैं नहीं चाहती कि हमारी जिंदगी का फैसला होने से पहले राजेश आ जाए। एक मिनट के अंदर अंदर अगर तुमने ये जहर ना पिया तो मैं पी लूंगी। चाबी भूल गए थे। ऐसे शक करके क्यों देख रहे हो मुझे? आप तो खामखा घबरा गए थे, इन्होंने शायद नीम की गोली खा ली होगी। मैंने सीता को नीम की गोलियां इसलिए दी ताकि तुम्हारे आने से पहले वो इस घर से ना जा सके। मैं जा रही हूं राजेश, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूं और विजय के बगैर शायद मैं जिंदा भी ना रह सकूं, लेकिन तुम दोनों पर मुझसे ज्यादा सीता का हक है। मुझे तुमसे सिर्फ एक शिकायत है राजेश, ना तो तुमने सीता को समझने की कोशिश की ना मुझे, इसलिए हम दोनों में से किसी के साथ भी खुश ना रह सके। अब सीता को समझने की कोशिश करना, उसे खुश रखना राजेश। Yes? घर चले जाओ, मैं मम्मी। कर देना, इसके पिता का नाम है राजेश चोपड़ा।
प्लीज कभी पता नहीं चलेगा कि मैं उसकी मां नहीं हूं। मम्मी 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 शैफे जवानी छाई रे मेरे यार।